नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज के दूसरे वीडियो में हम प्रदेश के एक और भौतिक विभाग की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स यानी थार डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया। ये राजस्थान के 12 जिलों में पूर्णतः विकसित है और सिरोही का थोड़ा भाग भी इसमें शामिल है। थार डेजर्ट को दो भागों में बांटा गया है जो कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के हिसाब से है। वो दो भाग हैं एरिड डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एरिड डेजर्ट के भी दो भाग हैं, मरुस्थली और ड्यून फ्री ट्रैक्ट्स। सेमी एरिड डेजर्ट के चार भाग हैं, घग्गर प्लेन, शेखावटी रीजन, नागौर अपलैंड और लूनी बेसिन। इसके अलावा हमने कई इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए, जैसे रण, हम्माद, लाठी श्रृंखला, रेक, खड़ीन, प्लाया, जोहड़, कई प्रकार के बालू का स्तूप इत्यादि। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द अरावली रेंज की। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एज में हुई और ये भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से उत्तर पूर्व रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है। इसके विस्तार के साथ लंबाई व चौड़ाई कम होती जाती है। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक यह श्रृंखलाबद्ध रूप में विस्तृत है। अरावलीज कवर एन एरिया ऑफ 9% इन राजस्थान। यहाँ की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या के 10% है। अरावलीज की लेंथ है 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लेंथ है 550 किलोमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ अरावलीज इज 930 मीटर्स अबव सी लेवल। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज लर्न इट। अरावलीज आर मेड अप ऑफ धारवार रॉक सिस्टम, इसलिए यहाँ धात्विक खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं। इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम्स एंड अरेबियन सी रिवर सिस्टम्स। जैव विविधता की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र है। ये राजस्थान में मॉनसून को भी प्रभावित करती है। अरेबियन सी ब्रांच इसके समानांतर है और बंगाल की खाड़ी का मॉनसून अरावली तक पहुँचते पहुँचते आर्द्रता में कमी आ जाती है और वर्षा राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ही ज़्यादा होती है। यहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं का विस्तार भी था, जैसे आयर, गिलुंड, बैराट आदि। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज इज इन उदयपुर और सबसे कम विस्तार है अजमेर में। अरावलीज को तीन सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, सदर्न अरावलीज, सेंट्रल अरावलीज और नॉर्दर्न अरावलीज। सदर्न अरावलीज, इसका विस्तार सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक है। पाली, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद इसमें आते हैं। इसमें भाकर व भोराट के पठार भी शामिल हैं। ये राजस्थान का सर्वाधिक सघन व ऊंचा भाग है। द हाइएस्ट पीक इन सदर्न अरावलीज इज गुरु शिखर विच इज 1722 मीटर्स हाई। द अदर पीक्स आर सेर, ये भी सिरोही में है, दिलवारा इन सिरोही, जरगा इन उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ ऑल्सो इन सिरोही। गुरु शिखर हैज बीन कॉल्ड संतों का शिखर बाय कर्नल जेम्स टॉट। इट इज सिचुएटेड इन माउंट आबू। ये 1722 मीटर की ऊंचाई पर है और ये हिमालय से नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। सेंट्रल अरावलीज का विस्तार मुख्यतः अजमेर में है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजसमंद टू जयपुर। हाइट एंड एक्सटेंशन बोथ आर लेसर देन द अदर टू सब रीजन्स। द हाइएस्ट पीक इन सेंट्रल अरावलीज इज टॉटगढ़ अजमेर। ये 934 मीटर की ऊंचाई पर है, इसे मोरामजी भी कहा जाता है। एक और पीक है तारागढ़, जो कि अजमेर में ही है, 870 मीटर की हाइट पे। तारागढ़ को बीटली की पहाड़ी भी कहा जाता है। अजमेर फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अजयराज चौहान हेयर। नॉर्दर्न अरावलीज, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जयपुर टू झुंझुनू। ये कवर करता है जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू को। इसकी हाइट कम है, ये संकड़ी है और डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ की हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है
और 1055 मीटर ऊंची है। अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की कुछ पीक्स और उनकी हाइट को। इन्हें हमें इसी सीरीज में याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में हमें इनकी हाइट के हिसाब से इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये सिरोही में स्थित है और 1722 मीटर ऊंची है। इसके बाद है सेर, फिर है दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, टॉडगढ़, खो, सायरा, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसे बीटली की पहाड़ी कहा जाता है और ये 870 मीटर हाइट पर है। पासेस क्या होते हैं? माउंटेन पास। अ माउंटेन पास इज अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज और ओवर अ रिज। इन्हें दर्रे कहते हैं। राजस्थान में पासिस को नाल या घाट कहा जाता है, जैसे फुलवारी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, शिवपुरा घाट आदि। राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्रे राजसमंद में हैं। अब हम देखते हैं कुछ दर्रे और उनकी लोकेशन। हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कई तंग घाटियां भी है जो यातायात की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, साथ ही इनका सामरिक महत्व भी है। खमली घाट या कमली घाट ये राजसमंद में स्थित है। गोराम घाट राजसमंद। झीलवाड़ा की नाल या पगलिया नाल ये भी राजसमंद में है और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घाटी है। इसे पगलिया नाल कहा जाता है क्योंकि ये मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता है। फुलवारी की नाल, यहाँ राजस्थान का फर्स्ट ऑर्किडेरियम स्थापित किया गया था। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित पानरवा में देश का पहला ऑर्किडेरियम स्थापित किया गया। उदयपुर शहर के करीब 120 किलोमीटर दूर कोटड़ा में बना यह ऑर्किडेरियम उदयपुर के इको टूरिज्म के लिहाज से एक नया आयाम है। खास बात यह है कि बरसात के दौरान इस जगह को ऊपर से नीचों तक फूलों से भरा हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद है केवड़ा की नाल और ढेबर नाल, ये दोनों भी उदयपुर में हैं। सोमेश्वर, बर और देसूरी ये तीनों दर्रे पाली में हैं। सुराघाट, परवेरिया, मुरा घाट और शिवपुर घाट ये चारों ब्यावर में हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ और हिल्स और हिलॉक्स की। जालौर में पहाड़ी के नाम के आगे भाकर या भाकरी लगाया जाता है, जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। उदयपुर में पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी लगाया जाता है, जैसे मोती मगरी, मछली मगरी, हिरन मगरी। मोती डूंगरी का नाम आप सबने सुना होगा। जयपुर में पहाड़ी के नाम के आगे डूंगर या डूंगरी लगाया जाता है, जैसे मोती डूंगरी, झलाना डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी आदि। नाग पहाड़ ये कहाँ है? अजमेर से लेकर पुष्कर के बीच में। गार्डन्स हैव बीन डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन इट्स फुट हिल्स। अकॉर्डिंग टू एंशियंट स्क्रिप्चर्स पांडवास स्टेड हेयर फॉर सम टाइम। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। अब हम कुछ और पहाड़ियों के नाम देखते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ी, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग से अलग करने वाली पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी। अरावली को बूंदी में लोकल लैंग्वेज में आडावाला कहा जाता है। यहाँ पे भी चार दर्रे हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ, सीकर जिले की पहाड़ियों को स्थानीय नाम है मालखेत की पहाड़ियाँ। हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर जिले में स्थित पहाड़ी जिस पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। खंडेला, ये भी सीकर में है और एक कांतली रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। सुंधा की पहाड़ियाँ, ये भीनमाल के निकट स्थित पहाड़ियां हैं जिनमें सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है। यहीं पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया है। मालानी पर्वत, ये लूनी बेसिन में बसा हुआ है और जालौर से बालोतरा के बीच में पड़ता है। छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा हिल्स, दीज आर सिचुएटेड इन सिवाना बाड़मेर। ये बाड़मेर की सबसे लंबी और ऊंची हिल्स हैं। ये गोलाकार शेप में बसी हुई हैं। त्रिकूट हिल्स, ये जैसलमेर में है। सुनार किला इसी पे बसा हुआ है। त्रिकूट पहाड़, ये करौली में है। यहाँ कैला देवी टेम्पल सिचुएटेड है। चिड़ियाटूंग हिल्स, ये जोधपुर में है जहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट है।
मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कोटा व झालारापाटन के बीच स्थित इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है और चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये अर्धचंद्राकार में है। बूंदी के पर्वत और मुकुंदवाड़ा को मिलाकर अर्धचंद्राकार आकार बनता है। गिरवा, ये तश्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला है जिसे उदयपुर में स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। भाकर, ये लोकल नेम है सिरोही में अरावलीज का। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर नाम से बुलाया जाता है। पीडमोंट के मैदान, पीडमोंट के मैदान अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियों जिनके भूभाग टीलेनुमा है उन्हें कहा जाता है। बारा में हॉर्स शू शेप्ड हिल्स हैं। उदयनाथ, हर्षनाथ और भैरौंज अलवर के कुछ पर्वत हैं। देशहरो, यह रागा और जरगा पर्वतों के बीच में है। ये पूरे साल तक हरा रहता है इसलिए इसे देशहरो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी कई पहाड़ियां हैं जो नदियों का ओरिजिन पॉइंट है। इन्हें हम नदियों वाले चैप्टर में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।